ప్రధాని మోడీని ఓడించటమే లక్ష్యంగా బీఎస్పీ ఎస్పీ కూటమిగా ఏర్పడ్డాయని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు. చౌకీదార్ కు వ్యతిరేకంగా సిద్ధాంతాలు పక్కన పెట్టి కలిసిపోయాయన్నారు. యూపీలోని నాగిని ప్రచార సభలో పాల్గొన్న రాజ్నాథ్ సింగ్ విపక్షాలు ఆశలు నెరవేరన్నారు. మోడీ మళ్లీ ప్రధాని కావటం ఖాయమన్నారు. और भारत का प्रधानमंत्री बनाने का सवाल होगा, खड़ा होगा, उस समय अपना हाथ किसी के पक्ष में उठाएंगे तो आज के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वहां दिखाएंगे. आप देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी को रोकने के लिए सपा और बसपा ने एक साथ गठबंधन कर लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कभी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यह साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. इस हकीकत को यह समझते थे कि मोदी की आंधी में हम दोनों तिनके की तरह उड़ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने मन में गांठ होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लिया, एक दूसरे के धुर विरोधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी. लेकिन मैं समाजवादी पार्टी को बतला देना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी 2002 में गठबंधन किया था. 15 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खूब रगड़ा और 15 वर्षों तक सत्ता में नहीं आने दिया. और जब देखा उत्तर प्रदेश की जनता ने, अरे भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी वनवास तो केवल 14 साल का था, अब भारतीय जनता पार्टी का वनवास तो 14 साल से अधिक हो गया है, इसलिए 2017 आया तो हम लोगों को 2/3 बहुमत से जिताकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई. बहनों भाइयों, राजनीति की जानी चाहिए, नकारात्मक सोच के आधार पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए. राजनीति यदि की जानी चाहिए तो सकारात्मक सोच के आधार पर काम करनी चाहिए. उत्तर प्रदेश की जनता ने माफ नहीं किया, आकर 40 और 42 पर सिमट गए बहनों भाइयों. और मैं कहना चाहता हूं इस बार भी आपने गठबंधन